Today we are going to explore Global Village. अभी हम ग्लोबल विलेज पहुंच चुके हैं। ग्लोबल विलेज में दुनिया की तमाम कंट्रीज़ के पवेलियंस बने हुए हैं। हर कंट्री की अपनी एक सकाफत है और कल्चर शो कर रहे हैं। तो अब हम टिकट की इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं और ये देखें जी बैकग्राउंड। ग्लोबल विलेज की एंट्रेंस का टिकट 20 दिरहम है ईच पर्सन। हांगकांग में जिस तरह डिज्नीलैंड ओशन पार्क विज़िट करने के लिए जब हम जाते हैं तो एंट्रेंस में हमें चेकिंग करवानी पड़ती है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है।
लेट्स एक्सप्लोर तुर्की पवेलियन। Let's explore our beautiful Pakistan. Let's explore UAE. It's organic, pure honey. अरेबिक स्टाइल अबाया, ये मेरा फेवरेट कलर था और मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसको परचेज कर लिया।
और यहाँ पे एक लेबनीज कल्चर शो था और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया इसे। लेट्स एक्सप्लोर कोरिया। कोरिया में कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इस पवेलियन में आपको कॉस्मेटिक ही ज़्यादा नज़र आएगा। लेट्स एक्सप्लोर इंडियन पवेलियन। इट्स सो ब्यूटीफुल बैंगल्स, तो आई रियली वांट टू बाय। इट्स ओनली 2 dirham। मैंने ये बैंगल्स बाय की हैं, बहुत प्यारी हैं। एक मैंने अपनी मदर के लिए बाय की है और एक खुद के लिए। सो ब्यूटीफुल, स्पेशली इंडियन कलेक्शन। ग्लोबल विलेज देखने का हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ है कि हमने बहुत सारी कंट्रीज़ को एक्सप्लोर कर लिया है कि कैसी कैसी दुनिया में कंट्रीज़ में क्या क्या स्पेशल चीज़ें मिलती हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप दुबई विज़िट करें तो ग्लोबल विलेज को ज़रूर विज़िट करें। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो आपने दुबई फिर देखा ही नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत प्यारी जगह है एंड आई 100% रिकमेंड यू कि आप इधर आएँ और इस जगह को फुली इन्जॉय करें। और हमारा आज का व्लॉग हम इधर ही ख़त्म करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो हिना ब्यूटी सना डॉट ऑफिशियल पे भी देख सकते हैं, मेरा ब्यूटी पेज। और आप मुझे सना खान डॉट ऑफिशियल पे भी देख सकते हैं। एंड या बहुत ही अमेजिंग आज का व्लॉग बना है। मैंने बनाते हुए भी बहुत इंजॉय किया है। आप जब देखेंगे तो आपको ज़रूर मज़ा आएगा, आई एम श्योर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।